देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। यश। हाँ माँ। बच्चा भी साथ में बढ़े, घर ढूंढने में पता ना तू कहाँ कहाँ भटक बो। हमार हिम्मत और बढ़ जाए अगर आप ऊपरी मन से भी कह देती कि यश रुक जा तो कहे जाइबा इतहार घर ए घर पर तार अधिकार बा। तो मालिक बड़ा ही घर के चाहे ऊंचे करे घर पे कोनो अधिकार नहीं खे। आज ही घर में जौन कुछ भी भइल बल्कि इतना दिन से ही घर में जौन कुछ भी हो रहल बा देख के ही हम फैसला ले ले बानी कि अपन प्रॉपर्टी अपन धन दौलत अपन सब कुछ आज हम यश के नाम करा देने। और केहू भी ए पर प्रश्न ना करी केहू के भी ए पर हक ना होई। ये आपका कहतनी आप यश के सारा जायदाद कैसे दे सके नी हमें पक्षपात ना होके देव एक घर के तीन बेटा बड़े थे तीन बराबर का हिस्सा होके के चाहिए बहुत इंसाफ के दुहाई देनी ना आप ना इंसाफी का कर रहा बानी तीन बेटा तीन हिस्सा कायदा यह कहला उचित भी है बा उचित तब हुई जब तू ये कहतू कि जायदाद के तीन ना चार बराबर हिस्सा होके के चाहिए हमरा पर पक्षपात के आरोप लगाओ तरु तू पक्षपात तो तू कर तरु गायत्री यश आकाश के घर में लेके आये रहे और उहे यश के पर आया कर देलू तू आज अपन ममता में अंधाओं के बहुत गलती कर लिए बड़ू तू और हम चुपचाप साथ रहल बानी लेकिन अब और ना साहब अब और कुछ गलत ना हो ये घर में वक्त आ गई बा कि सब लोग सुन लो समझ लो केकर का जगह भाई घर में केकर लगे का अधिकार बा और का अधिकार नहीं खे हम कुछ नहीं सुनना चाहते हम बस सुने के भी हुई और मानने के पड़ी भी बहुची प्लीज माँ बस करे सच में हमरा के कुछ ना चाहिए हमरा के बस आपके और आपके आशीर्वाद चाहिए और हम कुछ नहीं चाहत तू नहीं का चाहत लेकिन हम चाहता नहीं हम ये जिम्मेदारी तहरा के सौंपे के चाहता नहीं यश और तू इनकार ना करबा चला हमरा साथ है लेकिन बाबूजी आप यश हम कहने चला हमरा साथ है बाबूजी बहुत भी आवा मार रोक ला अपन पति के अभी रोक ली वरना खून की नदी बहा दे आज हम ये रहा हमने के प्रॉपर्टी के पेपर्स आज से हमार सब कुछ तहार भइल हम कल वकील से बात कर ले ना बाबूजी हम आपके आज्ञा नहीं मान सकत आपके जायदाद पर पंकज भैया प्रतीक और आकाश के हक बा हमार ना और हम अपन भाई लोग के हक नहीं छीन सकत बाबूजी हमरा से गलती ना हुई बाबूजी
यश हम जाना था नहीं, हम बहुत अच्छा से जाना था नहीं कि तू का कर सकत रहा का निखा कर सकत। यही से तो इतना बड़ा जिम्मेदारी तहारा के सौंपत नहीं। हम जाना था नहीं कि हमार पूंजी तहारा हाथ में सुरक्षित रहे। तू दोनों कबो भी एकर कोनो गलत इस्तेमाल ना करवा, ना ही कबो गेहूं के साथ कोनो भेदभाव कर पालो। और हम उम्मीद करते नहीं कि जितना भरोसा हमरा तारा ऊपर पा, उतना ही भरोसा तारा भी हुई अपन बाबूजी के निर्णय पर। कह कि तू देख ले बड़ा यश कि हम के तरह खून पसीना एक करके ये मकाम हासिल कर ले बानी। और हम ये भी बहुत अच्छा तरीके से जानत नहीं यश कि तू के तरह से दिन रात एक करके हमने के बिजनेस के नया ऊंचाई देले पड़ा। यही से ही जिम्मेदारी तारा के सौंपत नहीं। हमारे बिजनेस तहारी हाथ में सुरक्षित रहे, हम जानत नहीं। ला पेपर ला ना पाऊजी, आकाश के हिस्सा के प्यार, पिता के नाम, अच्छा परवरिश, सब कुछ तो हमने मिलल बा। अनजाना में ही सही, लेकिन हम आकाश के गुनहगार बने। गुनहगार तू नहीं खा यश, नियति रहे और ईश्वर की इच्छा रहे और हमार भूल रहे। बेटा तारा तो जैसे ही पता चला तो खुद होके वो लड़का के घर में लेके आई लो, हमारी इच्छा के परवाह कैले बिना घर के हर सदस्य के दिल में उकर जगह बनावे के कोशिश कैला। और तू कुछ हद तक ले कामयाब भइला भी, लेकिन ईमाना की तारा से गलती भइल यश। तू ओकरा के अपना जैसन समझ के अपन सारा खुशी अपन सारा अधिकार थाल में सजा के ओकरा सामने रख देला, लेकिन ओकरा के पचाना पाइल, घमंड में चूर हो गईल। ओकरा के ना तो रिश्ता के कद्र पा, ना ही पैसा के। हमार बात समझे के कोशिश करा, अगर सब कुछ ऐसा नहीं चलत रही तो एक दिन ही घर में ऐसा अनहोनी घटी कि परिवार के तबाह करके रखती। देखा दशरथ राम के वनवास पे जाए दिलन काहे, काहे कि राम के अनुपस्थिति में भरत रहे सबको संभाले खाते। अगर आज हमारी राम चल गई ता हमरा खातिर ऐसा के भरत पा जे हमार सारा जिम्मेदारी संभाली। बताओ हमार बात मान ले यश, आज तहार बाबूजी तारा के आज्ञा निखन दे विनती करत रन तारा से मत जाए घर छोड़ के। यश हमरा तहरा और आरती पर जितना भरोसा बा उतना हमरा केहू पर नहीं खे। अपन पत्नी पर बिना, अपन अर्धांगनी पर बिना, जकरा साथे अपन जिंदगी के 30 साल गुजार लेनी, हर उतार चढ़ाव देख लेनी, ओकरा ऊपर बिना हमरा ही कहे में कोनो झिझक नहीं खे। कहे के गायत्री के नादानी देख चुकल बानी हम, अपन ममता में अंधा होके फिर कोनो नादानी ना करी हूं ऐसे कैसे मान ली हम। जिम्मेदारी संभाल ले यश, हमार बात ना मन बतो ठीक बा, ना मन बतू हमार बात। बहुजी जयबा नहीं घर के छोड़ के, अपन बीवी और अपन बच्चन के लेके जयबा नहीं जैसे जा, लेकिन अपन बाबूजी के अंतिम संस्कार कैला के बाद बहुजी ये आप का करते नहीं।
बाबूजी 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 यह का करते नहीं ना बाबूजी आप ना जाए बाबूजी आप ना जाए बाबूजी आपके जान से बढ़ के कुछ नहीं के बाबूजी हमने के ना जाए बाबूजी बाबूजी हम आपके छोड़ के कहीं ना जाए कहीं ना आप देख रहल बानी ना भगवान ये ठीक नहीं की होत हमार बेटा आकाश 30 साल से जौन पहचान खातिर तड़पत रहल आज ओकरा के फिर अधिकार के बदले धुतकार मिलल बा हम ऐसन का गलत कर दिया नहीं की हमार पति भी हमार साथ नहीं खदेत हम माँ है आकाश के माँ और एगो माँ होके के नाते अपन बच्चा के प्यार दिहल ओके अधिकार दिहल काही गलत हो प्रभु आप बस आपे के आसरा बा आपे कुछ करी ये तो आर भगवान कुछ नहीं के करे वाला दिन में दूध बार आरती करी पूजा करी भोग लगाई लेकिन ये इजे के इजे खड़ा रही है कहे की लड़ाई तो हमार बना कहे की हक बा हमार मंदिर के प्रसाद ना के दुनिया भर में बटत रही अब हमू देखत नहीं कि हमार हक के छीनता हमसे देखत रही आप आकाश आकाश सुना हे भगवान कहाँ जा रहा बड़ा है तोहरा का लगा कि हम तो राज्य से निकले देहब अरे वहाँ जो अंदर बैठल बना हमार बाप दिमाग खराब हो गई बाकर उम्र से पहले सजिया से बात करा बाबूजी है हमने के चिल्ला मत सब जानत आने कि तू गुर्रा काहे रहल बाड़ा कहे कि जायदाद तोहरा नाम पे हो गेल बना लेकिन अब हम आ गेल बानी अभी तोहार अकड़ कम कर देता नहीं अभी जमीन पे चलल सिखावा तानी तोहरा बड़ा आदर्श बेटा बने लेना अपन बाप के मुन्ना अपन माँ के दिहल वचन भुला गेला का आज के बाद यश भाई हमरा पे कबो हाथ ना उठाइए माँ के तरह हमरा भी आकाश के हर शर्त मंजूर बा शाबाश 30 साल से जौन हमार हिस्सा के खा रहल बड़ा ना ओकर एक एक करके बदला लेहब हम अब हम आ गइल बानी अब ना छोड़ तोहरा आकाश भैया ये आप का करत आनी का करत यहां से ये जी आप कुछ करत काहे नहीं की आकाश भैया रुक जाई आकाश भैया पागल हो गए बानी ये जी आप कुछ करत काहे नहीं की पंकज भैया प्रदीप भैया बड़ा आदर्श बेटा बने लेना तू अपन बाप के हम दिखावा तनी तोहरा बहुत आइल बड़ा हमार हिस्सा ले बे कुछ करी ना यार जी हमारी बाले हट जाई हट जा सीधे बस करी आकाश भैया प्रदीप भैया पंकज भैया अब बताओ तनी हम तोहरा बड़ा आदर्श बेटा बने लेना अपन बाप के हां आरतीज पे हाथ उठा ले तू केहू भी हमार सामने आई ओकरा छोड़ अब ना हम
यश, यश, कहाँ कर रहा है? यश, यश, अरे कहाँ कर रही है तू दोनों? यश कहाँ है मार रहा है बड़ा? छोड़ दा। आकाश, आकाश ही तू कहाँ कर रहा है बड़ा? अरे तू कहाँ कर रहा है बड़ा? रुक जा। आकाश। अरे रुक जा दोनों। आकाश। रुक जा दोनों। रुक जा बेटा। यश, यश, रुक जा। ना बेटा। यश, यश, यश छोड़ देख रखे। अरे तू दोनों लड़का रहल बड़ा। जान ले ले बेकर हम। आकाश छोड़ दा आकाश ही तू का कर रहल बड़ा। यश, आकाश छोड़ा। आकाश तो के हमार कसम बा छोड़ दा। हम कौनो यश नहीं की जनाब के तीन शब्द सुन के पिघल जाई। हटे। आकाश। हम कहानी हटे। गायत्री, मामी जी, माँ, माँ, जल्दी चली, सामने से हटी ना। अब आरती जी साथ में। डॉक्टर साहब, माँ कैसन बड़ी? वो जल्दी ठीक तो हो जाइए ना। देखे इनका कंडीशन काफी क्रिटिकल हो चुकल बा। दूसरा ऑपरेशन इमीडिएट करे के पड़ी। डॉक्टर साहब, अब प्लीज माँ के बचा ले। प्लीज प्लीज। देखी हम लोग अपन पूरा कोशिश करत बानी। आप लोग प्लीज सब लोग बाहर चल जाएं। हमनी के अपन काम करे दें। प्लीज आप लोग बाहर जाएं। चल। प्लीज आप लोग जल्दी बाहर जाएं। हमरे भगवान की कसम, ये दोनों भाई के महाभारत आज हमरे भाभी के अस्पताल पहुंचा दिहलस।
अरे लोग कहला कि बेटन के मां रानी हो खेली, लेकिन हायर हमरे भाभी के फूटल किस्मत, चार चार बेटा के होते हुए भी आज बेचारी की हालत देखो। राम राम राम। वो कहावत सुन ले बनी आप, मुंह में राम और बगल में छुरी, आपके ऊपर बिल्कुल फिट बैठे ना। वैसे बिल्कुल सही कह रहल बनी आप बुआ जी, हमार माँ के हालत उनकरे बेटा के कारण भइल बा। उनकर नाजायज बेटा के कारण। आकाश हॉस्पिटल में पड़ा तू, धीरे से बात करा। कहे हाँ? अरे चिल्ला चिल्ला के सबके बताए कि हमार माँ के हालत तोहरा कारण भइल बा। उनकर सौतेला बेटा के कारण, और वो भी नाजायज। तू सुन ला ना क्या हम का कहानी का कहला। हाँ हाँ आकाश भैया प्लीज, बाबूजी यहाँ पर बाबू और आप का कर ले बा, बोला बोला का कहत रहला तू। आकाश अब एक और शब्द कहला तो हमरा से बुरा क्यों ए, का कर ले बा। अरे धमकी मत दे हमरा, हम ड्राइवर वाले नहीं तोरा से, जोन कहे के बाद जोन करे के बाद सब कहब हम। का कर ले बा तू, हाँ कर का कर ले बा, दिखावा हमरा का कर ले बा। जो ना इंसान के माँ बेटा के रिश्ता के समझ ना होके, जकरा मन में रिश्ता खातिर कोनो इज्जत ना होके, ओकरा के दूसर पे उंगली उठावे के कोनो हक नहीं खे, समझ ले तू। हे भगवान, हमार माँ के बचाली हमार माँ के, उनकरा बिना हम ना जी पाए भगवान, ना जी पाए। आज तक ले हम आपसे कुछ नहीं की मंगले, लेकिन भगवान प्लीज हमार माँ के बचाली हम ना जी पाए उनकरा बिना। हे प्रभु, हमारा आपसे प्रार्थना बा कि मम्मी जी के जल्दी से ठीक कर दी, हम और आपसे कुछ ना मांगा। बहुत परीक्षा ले लेनी आप हमार, लेकिन प्लीज माँ के हाथ मत उठे दिया हमार सर से, मम्मी जी के आशीर्वाद हमनी पर हमेशा बनाएल रखिया, उनकर जगह हमारी जिंदगी में क्यों ना ले सकेला। प्लीज प्लीज उनका जल्दी से ठीक कर दी प्लीज। जब तक सबके सामने
हीरो बनल फिरेला, साला पूरा परिवार पागल हो गया बा। हमरा तो लागत रहे कि हमार किस्मत ही खराब बा, लेकिन ना ये मामले में भी आप हमरा के हरा दिले बानी। अब देखी ना आकाशी, 30 साल तक आप अपन पिता के नाम के खातिर भटकत रहे, लोगन की गाली ताना सब सुनत रहे ले। लेकिन जब पिता के नाम मिलल, परिवार मिलल, तो आपके पिताजी का कहले बानी, अपन जायदाद से आपके बेदखल कर देले बानी। पूरा प्रॉपर्टी तो यश के बाही और उदनों भाई भी उनका साथ बाड़े, और आपके बाबूजी, बाबूजी तो आपके कब्बू अपना मान ले ही ना बानी। सिर्फ और सिर्फ गायत्री माँ के नाम पर आप अकड़ेला, आपन मनमानी करेला। लेकिन आईजे कुछ भी हालत बा, उसी लागत बाकी कब्बो भी कुछ हो सकेला। आप समझ रहल बानी ना आकाशी, हम का कहे के चाहतनी। सिर्फ गायत्री माँ की हालत ना, आपके हालत भी चिंताजनक बा। हमार जखम पे नमक छिड़के आइल बाड़ू, चल जाए यहाँ से, बकवास कर ले। हमरा के कोनो चीज के भी बर्बादी पसंद नहीं खे, ना वक्त और ना ही नमक। हम तो कहने की लोहा गरम बा, मार दिया थोड़ा। अच्छा भला हो के गायत्री माँ जी आपके ना दे सके नी, का पता शायद अब दे देत, आपके आपन हक मिल जाए और यश के उनकर जगह। घुमा घुमा के बात मत करा, मुद्दा के बात करा। ईश्वर तरह के सुखी रखो बेटा, संसार के हर सुख मिलो तारा। बस ये आशीर्वाद दे कि हमरा सर पे माँ के हाथ हमेशा बनल रहो, इससे बढ़ के खुशी हमरा खातिर का हो सकता। जेकरा मन में माँ खातिर इतना प्यार होके, ओकरा के केहू के आशीर्वाद की जरूरत नहीं के बेटा। यश जी, अम्मी जी के ऑपरेशन हो गए बा। अच्छा माँ ठीक तो बानी ना? डॉक्टर तो ये कहला ना कि माँ ठीक हो जाइयन। आरती जी, हमरा पूरा विश्वास रहे कि माँ बिल्कुल ठीक हो जाइयन। और आपके पता बा, माँ के हॉस्पिटल के स्मेल से बहुत नफरत बा। और देखे जैसे ही हम वजह जाए ना, तो हमरा से माँ कहियन कि यश बेटा हमरा के हॉस्पिटल से। काबिल आरती जी, आप चुप का है बानी? ना यश जी, मम्मी जी की कंडीशन काफी क्रिटिकल बा। डॉक्टर्स उनका के 24 घंटा अंडर ऑब्जर्वेशन रख ले बाड़े, उकर बाद ही वो कुछ कह पाई है। संभालिए अपना आपकी यश जी, प्लीज। आरती जी, माँ के कुछ ना होगी कि चाहे, वरना हम टूट जाए। आरती जी, कुछ ना हुई मम्मी जी के, कुछ ना हुई, कुछ ना हुई यश जी। अब बस थोड़ा हिम्मत रखी, हमने के दुआ, हमने सबके प्रार्थना बाना उनकरा साथे, उनकरा कुछ ना हुई। देखी पेशेंट की कंडीशन अच्छा नहीं है, अब इनके अंदर ना जा सकेला। नर्स हो कि दरबान,
हमार माँ ही हमके पता बा कैसे ख्याल रखे बा। चली हटी पर... यहाँ हमार जिंदगी खराब हो रहल बा और ये चैन से सूत रहल बाड़ी। माँ ओ माँ माँ एमा सुन रहल बाड़ू तोहार लाडला बेटा आकाश आइल बा। आकाश सिंधिया ए माँ सुना ना। अरे यार माँ 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 सांस आराम से सांस ले माँ आराम से ख्याल रखा अपन बस। हाँ माँ हमरा माफ कर दी माँ। वो कहा ना वो यश के वजह से हमारा सर घूम गए रहे। अब गुस्सा वो दिलौलस हमरा माँ जबकि जबकि सारा के सारा ना इंसाफी हमारे साथे भइल बा। अब देखी ना बाहू जी का किने पूरा जायदाद उठा के वो यश के दे दिले। का हमार कोनो हक नहीं खे घर पे तोहार बेटा के कोनो हक नहीं खे घर पे। माँ देखा ना सिंधिया परिवार के इतना सा भी हिस्सा नहीं की हम कि हमके उस जायदाद में कुछ हक मिले। माँ माँ हमार मदद करी माँ माँ प्लीज हमके हमार हक दिलवा दी माँ। हमार माँ ही बाड़ू ना अरे हमार सगी माँ बाड़ू ना हमके हमार हक दिलवा दे माँ। बस अपन बेटा के जरा सा भी मदद ना कर बू माँ। हाँ माँ कहा ना हम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवा दे बानी वो यश के खिलाफ कि यश तोहरा धक्का मरले रहे। अब जब पुलिस यहाँ आई ना तब तब तू ये बयान दे दिया कि उहे तोहरा धक्का मरले रहे ठीक बा ताकि ताकि तोहार बेटा के तोहार आपन सगा बेटा के इस एक घर में एक खानदान में ओकर हक मिल जाए इस जायदाद में हक मिल जाए। और रहल बात यश के तो जिंदगी भर जेल में सड़ी हो। माँ आपन बेटा के मदद करबू ना। हाँ बोला करबू ना हमार ले खातिर। अरे तोहर सगा बेटा बानी हम बोल ना माँ प्लीज बोल ना। हाँ मदद करना हमार माँ। माँ हमार बात सुन रहल बाड़ू ना। हाँ आपन बेटा के आपन सगा बेटा के मदद तो करबू ना। बस माँ दिलासा दे दे हमके ये बात के कि तू हमारी मदद करबू दे हम बयान माँ। जैसे ही पुलिस वाला आई है कह दिया उकर के कि यश ही तोहरा किरौले रहे समझ लू। अरे होश में बाड़ू ना। ओ माँ सुन रहल बाड़ू हमार बात। देख माँ तोहार बेटा बानी हम देख माँ तोहार बेटा बानी हम सुन रहल बाड़ू ना हमार बात माँ। हाँ पुलिस वाला के बयान दे दिया बस जन कह रहल बानी वो कर दिया माँ। अरे बोल माँ बोल बोल ना बोले लू कहे ना। बोला ना माँ कुछ बोला कहे नहीं खू। माँ माँ के हाथ छोड़ा माँ की तबीयत बहुत खराब बा। का कर तर तू तरह दिक्कत नहीं कि माँ कौन हालत में पड़ी। तारा के जितना पैसा चाहिए सब मिले धन दौलत सब कुछ तारा नामे हो जाए लेकिन प्लीज माँ की तंग मत करा उनका तबीयत ठीक नहीं के समझ ले तू। हाँ हाँ ठीक बा लेकिन तोहार बात पे कैसे यकीन कर ली हम। पहले जाके जायदाद के कागज लेके आवा जिकरा पे हमार बाप तोहार नाम लिख देले रहे।
हमके हमार नाम चाहिए ओकरा पे, समझला? हम तारा के कानी ना, तारा के चौन चाहिए, उस सब मिली तारा के। बस हमरा के हमार माँ चाहिए और कुछ ना चाहिए, समझ के ले तू? अपना आप के बहुत बड़ा बिजनेसमैन कहला, लेकिन बिजनेस के जरा सा भी रत्ती भर भी समझ नहीं के तोरा के। अरे इतना बड़ा जायदाद के बदला में मां रख रहा बा, बहुत बड़ा घाटा के सौदा बा, लेकिन ये तोहार जैसन बेवकूफी कर सकेला। ये बिजनेस तू ना समझ पा। बिजनेस के गणित हमरा मत सिखावा, हमरा पता बा कि नफा और नुकसान रिश्ता सब... में गणित ना देखल जाला आकाश भैया, भावना के देखल जाला। और दुनिया में माँ से अनमोल दौलत और कुछ ना होखेला। पता ना आप ही बात कब समझब। बस हमने के माँ ठीक हो जास, उकरा लावा हमने के कुछ न चाहिए। ओहो भाई, भाभी जी का डायलॉग मारे निया, देख रहल बाड़ू माँ, सुन रहल बाड़ू इनकर बात, इनकर बात में मत आइया, चिकना चुपड़ी बात करे में एक्सपर्ट बाड़े ही दोनों। माँ हम तो हर सका बेटा बानी, हम हमेशा तो हर साथ ही रहा, लेकिन ये दोनों के का भरोसा, कब छोड़ के चल जाइए पता ना चली तोरा के। माँ हमार बात याद रखिया, भरोसा मत करिए लोग पे। हाँ अच्छा माई हो हमार, बस जल्दी से ठीक हो जा, ख्याल रखा अपन। माँ के बयान ले आयल बनी आप, लेकिन कहे उधर खाली है, कोई एक्सीडेंट रहे? हाँ इंस्पेक्टर साहब, के कंप्लेन के लिए बा और के कर सकेला इस हरकत। बुआ जी कहीं आप तो का ना ना ना, हमरे भगवान की कसम हम कुछ ना लिखवाई नहीं हो, हम भला ऐसा काहे करब, आपके तो सब मालूम होखी, बताए ना। हमनी के नहीं मालूम, कहे की वो अपन नाम ना बतौले। माँ, माँ, हाँ, पुलिस वाला आगे बढ़े। याद पाना, अब कंप्लेंट दर्ज भेल बा तो प्लीज हमनी के अपन काम कर दी, हमनी के गायत्री जी के बयान लेबे के बाद। अचार और जिंदगी में मसाला बहुत जरूरी बा, अच्छा कहने की पुलिस के बुला लेनी, अब लेप छुटकारा। हमने की केहू बतौले बा कि गायत्री जी के जान बुझ के धक्का देके केहू गिरा दिले बा, शायद कोनो घरेलू झगड़ा होके, यही से हम लोग इनकर इंक्वायरी करे हैं बनी। देखिए जॉन भी भाई वो हादसा रहे, आप यकीन करिए जॉन भी बा, अब हमनी के गायत्री जी बताइए। बताइए गायत्री जी का भइल रहल, का सच में केहू आपके जानबूझ के धक्का देके गिरौलस? प्लीज बताई कुछ तो बोली, कोशिश करी प्लीज।